ये मैं हूँ और ये हमारा बाप है और ये हमारे बाप की पार्टी हो रही है। यूके 07 राइटर ने एक स्टोरी पोस्ट करके बताया कि वो ब्लॉगर ऑफ द ईयर के लिए सेलेक्ट हुए, और जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर ढेर सारे यूट्यूबर सेलेक्ट हुए, जैसे कि निखिल शर्मा, गौरव तनेजा यानी कि फ्लाइंग डे, सौरभ जोशी, एमएसके ब्लॉग्स, जेस फिल्म, करण सहगल और अनुराग डोबल यानी कि UK 07 राइडर। और राइडर का भी ज्यादा वोट नहीं पड़ा हुआ है, तो उन्होंने ये वाला स्टोरी पोस्ट किया और अपने फैन से रिक्वेस्ट किया कि जाओ और जाकर तबाही मचा दो। मतलब कि पूरा वोट करके पूरा भर दो। और फिर क्या था, जैसे UK 07 राइडर ने अपने फैन से रिक्वेस्ट किया, भाई वो जो वेबसाइट थी वो पूरी की पूरी क्रैश ही हो गई। तुम्हारे पापा का भी दोस्त हूँ और तुम्हारे मामू का भी, मेरा तो मामू नहीं है, मतलब कि वेबसाइट ही बंद हो गई। तो अब इसी को लेकर उन्होंने क्या बोला, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, पर उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। क्या चाल है बॉयज, मैं ना भी जस्ट एडिट कर रहा था और मुझे पता लगा कि हम लोग व्लॉगर ऑफ द ईयर के अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए हैं। ये चेक करो बॉयज, ये वो कैटेगरी है जहां पर हम लोग नॉमिनेट हुए और हम लोग लास्ट ईयर भी एग्जिबिट के अवार्ड जीते थे। इस साल कंपटीशन बहुत हाई है एंड मुझे अभी किसी ने टैग करा कि बाबू भैया आपका नाम भी है, सो लिंक दे रहा हूँ गाइज, वोट करो, वोट करो। और ये जो बार है ना, ये यहाँ पर इतना इतना पहुंचना चाहिए, और मुझे पता है जहां पर वोटिंग है, और अगर हम वहां पर नहीं जीते तो फिर कैसे हो सकता है। व्लॉगर ऑफ द ईयर एक ही कैटेगरी में जाना चाहिए गाइज, फटाफट वोट करो जाकर के एंड टॉप पर गाइज, टॉप पर देखना मुझे नाम। भाई एक मिनट हुआ है स्टोरी डाले हुए और वेबसाइट क्रैश कर दी। ये चेक करो भाई, वेबसाइट पूरी क्रैश हो चुकी है। तो जब भी वेबसाइट खुले गाइज प्लीज वोट करना, नंबर वन पे पहुंचाना है। मुझे पता है यार ये वोटिंग वाले सीन में तो ब्रो सीना सिस्टम हैंग हो गया, जैसी ट्राई करते ने ना, जैसी वेबसाइट खुलेगी वोट। रुको जरा, फिर से हैंग कर दी। मैं अवार्ड कैसे जीतूंगा यार, मेरा नाम अपने मुंह से लेना नहीं अगेन। अरे पर हुआ क्या, ये मुर्गी नहीं है। ये मुर्गी नहीं है।